इडली को ऐसे कट कर खा देना, हाथ में खाने का मजा अलग है। इडली एंड दिस मड़ा है कि राइस के आधे पार्ट पर सांबर और आधे पार्ट पर दिस इज सांबर दाल। आपको इसमें से अंगुली में आपको निकालो पाउडर आ जाएगा, ये आपको ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट ये आता है, सेकंड ये आता है, एकदम पावर आता है, हेवी है, छोटा छोटा सा। कन्याकुमारी वो छोटी सी और प्यारी सी जगह जहाँ पर लोगों के दिन की शुरुआत सुबह के तकरीबन 4 बजे ही हो जाती है। अच्छा, जब मैं ऐसे हॉकर्स को देखती हूँ मुझे बहुत अजीब लगता है, चंद रुपयों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कन्या ब्राइट, जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटिफुली द प्लेस जस्टिफाइज इट्स नेम। बहुत खास है ये जगह, समंदर, चर्च, टेम्पल बगल बगल में ही है, बहुत इज्जत है आपस में। बहुत दूर से आते लोग सनराइज देखने, मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बनने निकल चुकी थी। तो चले फिर अपनी कन्या को देखने, बहुत प्यारी सी जगह है यार। Everyone, so welcome to Masani Musafir Travel Express and welcome back to the brand new video. I'm Tolika Anand and today I'm at the southern tip of the mainland India, one of the coastal towns in Tamil Nadu, Kanyakumari. Such a beautiful place it is. So this is a humble request, please watch this entire video, and especially if you're planning a trip to Kanyakumari or anywhere in Tamil Nadu, pure series ko dekhna, is video ko dekhna, because in this video I have tried to explore anything and everything जो भी मैंने कन्याकुमारी में देखा है। एंड जस्ट अ जेंटल सजेशन, जस्ट फॉलो द सेम सीक्वेंस जब आप आते हो कन्याकुमारी, बिकॉज दैट विल बी वेरी मच टाइम सेविंग एंड पैसा सेविंग। क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए आपको बहुत ज़्यादा व्हीकल का और पैकेज का, गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती है। यू कैन विजिट एंटायर कन्याकुमारी बाय वॉकिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि मैंने उसी सीक्वेंस को फॉलो किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम सनराइज, ब्यूटिफुल सनराइज टू सनसेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Kanyakumari unique in many different ways. Number one, its name. Pehle this name happened to be Cape Comorin during British rule, but after the partition, British rule ke baad, the government of India gave the name Kanyakumari. So it's not Kanya. Ab tak main bhi Kanyakumari bolti thi. It's Kanya. So Kanyakumari. So Kanya is the name after the goddess Kanyakumari. Isliye aaj bhi jab aap IRCTC jab kabhi ticket dekhoge, that will be something Cape, CAPE, something aisa kuch abbreviation hai. Second is, this is the place जहाँ पर 3 major water bodies, Bay of Bengal, Arabian Sea and Hind Mahasagar, तीनों मिलता है। बहुत प्यारा सा जगह है। And third and most important, this is the place जहाँ से you will get to see the beautiful surreal sunrise जो मैंने दिखाया है and the sunset. एक ही जगह से सनराइज और सनसेट दोनों मिलते हैं। स्टैच्यू सेंट तिरुवल्लुवर, कवि तिरुवल्लुवर, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड दिस इज विवेकानंद मेमोरियल। मुझे याद है आई वाज इन स्टैंडर्ड 6 आई गेस, और उनका कोई कविता था शायद ऐसा, तिरुवल्लुवर। सो द फर्स्ट टाइम आई केम टू तमिलनाडु इन 2006 कन्याकुमारी, तो आई वाज सो एक्साइटेड। अच्छा, तिरुवल्लुवर जो पढ़ा था वो वाला, सो ही इज दैट वन, वो जो स्टैच्यू है वहां पर आपको बस जाकर आपको बाहर से देखने को ही मिलेगा। आई विल शो यू दैट। उसके बगल में देयर इज विवेकानंद दैट मेमोरियल, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज हाईली टूरिस्टी, अंदर बस एक विवेकानंद का स्टैचू है। सो आई थिंक आई मे स्किप दैट क्योंकि आई एम रनिंग विद शॉर्ट ऑफ टाइम। आज मुझे निकलना है मदुरई,
और जो भी बन पड़ता है मैं आपको वो दिखाती हूँ। पानी इज जस्ट सो रिफ्रेशिंग, इज जस्ट अ थेरेपी आई विल से। तो जब भी समंदर के पास आओ, पानी के पास आने से मत डरो। विवेकानंद मेमोरियल जाने के लिए आपको फेरी से ही जाना है और उसके लिए इतनी लंबी सी लाइन होती है टू गेट द टिकट बुक एंड इफ यू मिस दिस प्लेस इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग लॉस। मैं जब भी साउथ आती हूँ ना, आई मेक श्योर कि मैं लोकल डेलिकेसी आई शुड ट्राई एंड आई ट्राई द वे लोकल से ईट। और हाथ से खाना इज जस्ट सो सूदिंग। मैं ऐसे भी हाथ से खाती हूँ बट नॉर्थ साइड इडली कैसे कट करके खा रहा हूँ, हाथ से खाने का मजा अलग है। इडली एंड दिस वड़ा इट्स सो सॉफ्ट, इट्स नॉट सॉफ्ट हियर, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक शॉप, ये रैंडम में आ गई। अच्छा मैं जो भी फूड आपको दिखा रही हूँ व्हाटएवर आई एम ट्राइंग इज जस्ट व्हाट लोकल्स दे हैव सजेस्टेड। तो आप कहीं भी आप लोकल से पूछ कर जाना, यू विल बी नेवर डिसअपॉइंटेड। हर जगह बनाना लीफ पर मिलता है। And the only purpose of making video here is कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कन्याकुमारी में, you will find people selling a lot, और आप क्या चीज़ें ले सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्पाइस बहुत ज़्यादा देखा, इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सारी चीज़ें पैकेट्स में मिलते हैं एंड जैसे कि यहाँ पर लोकल ऐसा बनता है एंड देन यू हैव दिस बादाम वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। But I found coffee and South Indian coffee is very much different from North side coffee. ये filtered coffee इसे बस ऐसे ही दूध में नेस्कैफे का जैसे मिलाते वैसे नहीं पी सकते, you have to boil and then you have to filter. This is mixed veg. ये रायता, हाँ क्यूकम्बर रायता, बनाना, बनाना में भी कोकोनट आपने डाला है। यहाँ पर दाल सांबर दोनों मिलेगा, तो मैंने तो कहा है कि राइस के आधे पार्ट पर सांबर और आधे पार्ट पर दिस इज सांबर दाल। और पापड़ भी होता है। मैं आपको सच बताऊ ना, ये जो खाना है वेरी ऑथेंटिक, वेरी ऑथेंटिक, वेरी सिंपल, और हर चीज में नारियल। आई हैव हर्ड सरवना का मैंने बहुत ज्यादा नाम सुना था लेकिन लोकलाइज ने सजेस्टेड मी ये जगह। यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पसीना सालों बाद महसूस कर रही हूँ। एंड दिस इज़ अ लिटिल टूरिस्टी। अभी मैं जाऊँगी लाइट हाउस पर और टिकट भी यहाँ पर जो है ना दैट इज़ जस्ट 10 rupees, सो दैट वाज वेरी रीजनेबल। और कभी कभी ना टूरिस्टी स्टफ करने में बहुत मज़ा आता है, तो लाइट हाउस में सालों बाद जाऊँगी। बट यस, वहाँ से नज़ारे बहुत प्यारे आते हैं, बट देन यू हैव टू क्लाइंब अ लॉट ऑफ स्टेयर्स। तो चलो चलते हैं ऊपर लाइट हाउस से, जो भी नज़ारा आएगा देखते हैं, और देखती हूँ कि मैं कितना फिट हूँ क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर इस वाले लाइट हाउस में लिफ्ट भी है, तो दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैं जाऊंगी लिफ्ट से। लाइट हाउस में जाऊंगी मैं, आपको ऐसे नजारा दिखाऊंगी इसे ऊपर। वाह, अच्छा नजारा आता है यार। पहली बार मैं लाइट हाउस आई हूँ और वो भी लिफ्ट पे। Talking about the weather, ठंडी हवा पूरे टाइम चली, this was something new, और यहाँ से जो नजारे आते हैं, तो धूप है लेकिन ठंडी हवा है और इतने ऊपर से जो समुंदर का जो नजारा है, I will show you that। कितने सारे कलर्स दिख रहे हैं ना, ब्लू के अलग अलग शेड्स, मैं आपको दिखाती हूँ।
हवा इतनी तेज है, इतनी तेज है, यहाँ पर भी देयर इज अ स्टैच्यू ऑफ मदर मेरी यहाँ पर। पता क्या, तमिलनाडु में या फिर केरल भी जब आप जाओ ना, तो यहाँ पर मुझे हिंदुइज्म का और क्रिश्चियनिटी का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट दिखता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर भी मतलब हर दो दो कदम पर, तीन तीन कदम पर यू विल फाइंड चर्च और मदर मेरी का स्टैच्यू या फिर टेम्पल्स इस तरीके से, या क्रिश्चियन में और भी जो सेंट है, नाम भूल भूल जाती हूँ, तो उन सबका हर दो दो तीन तीन कदम पर यहाँ पर यू विल फाइंड स्टैच्यूज। एंड आई विल शो यू द क्राउड हियर। मतलब तमिलनाडु की जो बीचेस है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर बीचेस जो थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, लाइक गोवा इस तरीके के बीचेस ही। यहाँ की जो वाइब्स है इट्स टोटली डिफरेंट। लेट्स सी व्हाट अदर थिंग्स डू आई गेट टू ट्राई हियर। सबसे पहले मैंने आज वो लिया, नारियल पानी पिया। मुझे पता नहीं कहीं भी जाती हूँ ना एक्सेप्ट बिहार एंड यूपी, आई डू नॉट ट्राई दिस भाजा। लोग बहुत पसंद से खाते हैं, लेकिन वहां पर इतना स्पाइसी देता है ना कि वो मजा कहीं और नहीं मिलता है। झाल मुड़ी भाजा, तो एक पर्टिकुलर चीज कितना अलग अलग नाम है। यू शुड ट्राई दिस अगर आपको कुछ खट्टा टैंगी बहुत पसंद है। मुझे बहुत तो मुझे खट्टा बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसलिए आई विल नॉट ट्राई। बट लेट्स सी, यहाँ पर ये भज्जी आई कैन ट्राई। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फूड जॉइंट्स मिलेंगे कुछ कुछ खाने के लिए। हाय, तो बहुत सारे फूड जॉइंट्स मिलेंगे टू ट्राई हियर। और सबसे मजे की बात कि पीपल लिविंग नियर बाय कन्याकुमारी सब कोई आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। एक अच्छा खासा क्राउड है, और जो भी क्राउड है द क्राउड इज वेरी सिंपल एंड वेरी रीसेंट, मतलब फैमिली वाला जगह है। About this sunset view, this place is just so beautiful. Background आपको दिख रहा होगा और मेरे बालों से देखो, इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा। और पूरे कन्याकुमारी का देखो मैं आई हूँ, मैंने रियलाइज की कितनी भी यहाँ पर गर्मी हो जाएगी, इट विल बी अ सनी डे, बट देन एक ठंडी हवा चलती है, सो आई लाइक दैट। और इस जगह पर आने के लिए आपको बड़ा आसानी से आ जाना है। आप जिस भी होटल में रुकेंगे, अकोमोडेशन जहाँ पर भी होगा, 99.9% है कि आप मेन मार्केट में ही रुकोगे, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा अकोमोडेशन का जो भी आपके पास ऑप्शंस है, वहाँ से यू विल टेक एन ऑटो 100 rupees के अराउंड वो आपसे चार्ज करेगा, और आप आ जाओगे सनसेट व्यू। आपको बस बोलना है, अगर आप हिच हाइकिंग करके आओ तो वो भी मिलेगा, बट यहाँ पर हिच हाइकिंग के ऑप्शन बहुत कम है। टुडे आई रियलाइज, मैं लाइट हाउस तक आ गई थी ऑटो से, और फिर वहां से मैं हिच हाइकिंग कर ली। यहाँ पर शेयरिंग ऑटो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पानी इज जस्ट सो रिफ्रेशिंग, जस्ट सो रिफ्रेशिंग। देखा अभी, देखा वो हाई साइड, पूरा ऊपर लगा रहा है पानी। ओए, और मैं तब ऊपर खड़ी हूँ पत्थर पर। साउथ में आओगे ना, यहाँ का जो लोकल बनाना है दिस इज जस्ट सो डिफरेंट, और जब ये पक जाते हैं इसका टेस्ट बहुत अलग होता है। दिस आई हैव रियलाइज्ड यहाँ पर खाकर, और वहाँ पर जितने भी मिशनरीज इंस्टीट्यूशंस आई हैव सीन, जब कभी किसी फादर के पास जाए ना तो उनका अपना यहीं से वो केला का वो पौधा ले जाता है और वहाँ पर वो इसे लगाते हैं। तो ये जब पक जाता है इसका मिठास बहुत अलग होता है, इसलिए बनाना चिप्स भी जो आप नॉर्थ साइड बनाएंगे और अब जब साउथ का खाएंगे तो द टेस्ट विल ह्यूजली वैरी। इसी एरिया से बात आता है एक्चुअली, ये योगा में एक सेक्शन है, नाभि के नीचे से ऊपर आना, हार्ट लिवर लक्ष्य के लिए बहुत बढ़िया है, नंबर वन। ऐसा बजाना पत्थर में ऐसा करना चाहिए, इतना जिए करो आपको देखने से मालूम पड़ेगा
ये देखो ये प्लास्टिक, उसका मोल्डिंग कर दिया, काली आप पॉलिश करा है, ऐसा भी करो आपको इसमें से अंगुली में आपको निकालो पाउडर आ जाएगा, ये आपको ऐसा हो जाएगा, फिर बाद में पूरा सही करो, ऐसे स्क्रैच करो एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर पुतेरा कैसा है ऐसा आ जाएगा, ये एक परफेक्ट आइटम है। नहीं 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 कुछ नहीं हो गया, देखो वैसे रहता वो नेचुरल, ये नीचे वाला है, सब सबका देखो इसमें से साइड में हो जाएगा, है ना, ये देखो ये बीच में बैठ रहे थे ऐसा बैठ के जो फायदा होता है, ये देखो ट्विंस वाला ऐसा तो आएगा, ये ऊपर का लगा रहता है, इसका फ्रंट में एकदम कुंभ रहता है, इसका बाद में क्या करता है इसमें से कीड़ा अंदर रहेगा, वो आपको कोई मेटल में से ऐसा खींचता है, अगर नहीं होगा हीट करके निकालता है नेचुरली, फिर बाद में मशीन से थोड़ा आपको साफ करता है, साफ करना चाहते हैं तो आपको एकदम कम से कम एक संग आप बनाएंगे तो 15 दिन लगेगा एकदम फ्रेश आने के लिए, इसका बाद में ऐसा आ जाएगा, ऐसा 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 मोफिक नेचुरली आएगा, फिर एक दो आदमी लोग बोलते हैं आपको पॉलिश चाहिए, ऐसा होगा तो मशीन से ग्राइंडिंग करके साफ करके देता है आपको, ये भी ऐसा होता है, फाइनल फर्स्ट ये आता है सेकंड ये आता है, फिर भी इसमें से दूसरा बाजार में कुछ ना वो नकली से बबूस आ जाएगा। बबल्स आता है, अगर आप इसमें से टेस्ट करो कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी आइटम होगा आपको कर दो ऐसा, इसमें जिंदा रहेगा तो उसमें से पावर एकदम पावर आता है, ये भी है छोटा छोटा सा निकले, इसी के साथ मैं आज का वीडियो करूंगी एंड, और आई होप आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल आया होगा, कुछ आइडिया मिला होगा हाउ कन्याकुमारी इज, यहाँ क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते कुछ भी आइडिया आया होगा, तो प्लीज लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना, अगर बुरा लगे तो प्लीज बताना कि व्हाट यू फाउंड लैकिंग माय वीडियो सो दैट आई कैन ब्रिंग बेटर कंटेंट, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, और इसी के साथ चलती हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मदुरई, वहां पर मिलते हैं।